हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी आपको थोड़ी सी ईको लग रही होगी, बट ये रूम थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इसमें सामान नहीं है, लेकिन इस वजह से ईको आ रही है। लेकिन मेरे लिए ये परफेक्ट लोकेशन है, मैं अपनी वीडियोस को आराम से शूट कर सकती हूँ विदाउट एनी एक्सटर्नल नॉइज़, तो इसलिए मेरे लिए परफेक्ट है। अभी जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा आ रही है इस तरह की न्यूज़ की टिकटॉक और यूट्यूबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा घमासान चल रहा है, युद्ध चल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सही बात है? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, टिकटॉक भी अलग चीज़ है, यूट्यूब भी अलग चीज़ है। दोनों के वे ऑफ एक्सप्रेशंस अलग हैं, कंटेंट प्रोवाइडिंग अलग है। बट अब बेस्ट और वर्स्ट की बात की जाए तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है, तो व्यूअर्स के ऊपर होता है कि उन्हें किस तरह के कंटेंट पसंद है। मान लीजिए कि किसी इंसान को अगर प्रेगनेंसी या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज चाहिए तो वो मेरे चैनल देख सकते हैं या फिर रिलेटेड चैनल देख सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। तो वो कुछ आप इस तरह के जो कंटेंट हैं वो आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से अगर प्रिसाइज नहीं है अपने कंटेंट को, अगर आप ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हैं या फिर आप बस कैजुअली कुछ देखना चाहते हैं, छोटी छोटी वीडियोस, तो उसके लिए टिकटॉक अच्छा है। लेकिन एज अ यूट्यूबर, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं टिकटॉक नहीं बनाती हूँ, मैं भी कभी कभी एक दो बार फन के उसे बना लेती हूँ, बट मेरा जो मेन फोकस है, मेरा जो मेन कंटेंट है, वो फिर मैं मेरे चैनल पे ही। और मैं ये भी मानती हूँ कि जितने भी ज़्यादा जो यूट्यूबर्स हैं उनका मेन कंटेंट, मेन फोकस उनके चैनल के ही ऊपर रहता है, और जो टिकटॉकर्स हैं उनका भी होता है। रियल कंटेंट की बात की जाए तो 95 से 98% जो यूट्यूबर्स हैं वो रियल कंटेंट बनाते हैं। जी हाँ, रियल कंटेंट बनाते हैं, और सिर्फ कुछ 1-2% या 3% ही ऐसे लोग हैं जो कि कुछ भी अनयूजुअल सा कंटेंट बना देंगे जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे धन की वर्षा हो जाएगी, आप इस तरह के टोटके करो तो ये हो जाएगा, इस तरह के फालतू कंटेंट जो आप बोल सकते हैं ना, ये पाए जाते हैं यूट्यूब में भी। लेकिन 95 से 98% जो लोग हैं जो रियल कंटेंट बनाते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं या तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। वही वाइस वर्सा ये होता है कि टिकटॉकर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम, आप देखिएगा, बुरा मत मानिएगा, 95 से 98% जो टिकटॉकर्स हैं उनके कंटेंट में उस तरह की दम होती ही नहीं है। लेकिन जो 2-3% जो लोग हैं जो रियल मायने में जिनकी कंटेंट बहुत अच्छी होती है, वो लोग दिल से बहुत मेहनत करते हैं और उनकी कंटेंट रियल मायने में कंटेंट बोल सकते हैं। लेकिन 95-98% लोग बस यूं ही बना देते हैं, बस ऐसे ही वीडियो वायरल हो जाती है और जिसका कोई मतलब नहीं होता है, बिस्किट पहन के और चम्मच और क्या 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 बर्तन वर्तन पहन के ऑर्नामेंट पहनना। आप सोच सकते हो, आप खुद कंपैरिजन करो, एक यूज़र ही डिसाइड करता है कि उसको किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल रहा है या ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है। अगर वो रियल मायने में अगर नॉलेज को फाइंड करना चाहता है तो उसको यूट्यूब पे जाना होगा। अगर थोड़ा सा उसको बस कैजुअली अपने टाइम को बस लिटरली वेस्ट करना है तो वो टिकटॉक पे जाएगा। तो इसलिए मैं तो आपको यही बात बोलूँगी कि अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए और हेल्दी कंटेंट बनाइए, अच्छे कंटेंट बनाइए, जिससे कि आपके वजह से बाकी लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए, शायद आपकी कुछ एक्सपीरियंस बाकी के काम आ जाए। और ये जो अभी कैरी मिनाटी जी ने बहुत अच्छा जो रोस्ट किया हुआ है, मुझे बहुत पसंद आई वो वीडियो। एटलीस्ट अभी एक दिन में उन्होंने 33 मिलियन व्यूज़ उनके हुए, और ऑलमोस्ट आप लोग सबको को पता चल गया होगा कि अभी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, और मोस्ट लाइक्ड वीडियो का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है कि एक दिन में उन्होंने 6.8 मिलियन लाइक लिया है। तो अब तक का जो, अभी तक का जो रिकॉर्ड है यूट्यूब पे, उन्होंने ब्रेक किया है कि एक दिन में मोस्ट लाइक्ड जो वीडियोज़ है उसमें उनका नंबर आता है। तो उनको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हम यूट्यूबर्स उनके साथ हैं। और हाँ, टिकटॉकर्स जो रियल टिकटॉकर्स हैं उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, और जो फन भी कर रहे हैं उनकी इज्जत करती हूँ, बट इस तरह के रोस्ट और इस तरह की मनमुटाव प्लीज़ अपने दिल में मत रखिए। हम सभी लोग क्रिएटर्स हैं और एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर की इज्जत करे, इससे अच्छी सद्भावना बढ़ती है। तो होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे रियल चैनल, मेरा जो चैनल है ट्विंस माय वर्ल्ड, उस पर आप प्रेगनेंसी रिलेटेड और हेल्थ इश्यूज़ जैसे चीज़ें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।